संत सम्मेलन का फायदा तो जरूर होगा। उसका कारण यह है, हम सब में जो ईश तत्व वास करता है वो अगर उजागर होना है तो उसके लिए हमें संत साहित्य सम्मेलन और संत साहित्य को ही अपनाना पड़ेगा। और वो ये सबको मालूम है, मैं तो ये कहता हूँ कि हर हर व्यक्ति में वो ईश तत्व होता है। अभी कोरोना के काल में आपने देखा होगा, लोगों ने एक दूसरे की बहुत मदद की। ऐसा बोलते हैं कि कोरोना से लोग दूर गए, नहीं, कोरोना से शरीर से लोग दूर गए लेकिन मन से बहुत नज़दीक आए, क्योंकि हमने एक दूसरे की इतनी मदद की और हम ये महाभयानक संकट से परे हो गए। इसलिए संत साहित्य यही अपना पूरे विचारधारा का बेस है, ऐसा मेरा मानना है। सर, ये कार्यक्रम में करीबन कितने लोग शामिल हुए थे? ये कार्यक्रम में 16 देशों से तो अभ्यासक आ गए हैं, वो उनका पेपर पढ़ने वाले हैं। जनरल पब्लिक जो है वो 5000 लोग आने की संभावना हम कल तक हमारी है। और इसमें एक विशेषता ये है सम्मेलन की कि भारत सरकार का जो सांस्कृतिक केंद्र उदयनगर में है, उदयपुर में है, वहाँ से पूरे हिंदुस्तान में जो जो अलग अलग भक्तिधारा है, समझो पंडवानी हमारी छत्तीसगढ़ में चलती है, हरिकथा हमारी तेलंगाना में चलती है, महाराष्ट्र में भारूड भजन चलता है या डायरो गायन गुजरात में चलता है, तो ये सब के कलाकार प्रस्तुत करने वाले कलाकार है और उसमें से चिकित्सक अभ्यासक भी इसमें आ रहे हैं। ये विशेषता है ये सम्मेलन की। हमने जब इसका थोड़ा स्टडी किया तो हमारे ध्यान में ये बात आ गई कि संत या हिंदुस्तान के हो, नाइजीरिया के हो, अफगानिस्तान के हो, विश्व भर के किसी भी विचारधारा के हो, उनका विचार एक है, उनका तत्वज्ञान एक है। क्योंकि हमने ये भी देखा है, जब यहाँ माउली बोल रहे थे सर्वाघटी राम भाव शुद्ध, हर एक के मन में राम है, तो वही वह इपनाराज जी वही बोलते हैं ईरान के। तो ये जो है ये परंपराएं, भाषा अलग है, प्रांत अलग है, संस्कृति अलग है, लेकिन हाँ ये विचार मानव कल्याण का सब संतों का एक है। सर, एक छोटा सा, सर आपके समाज में एक होता है तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे युवा पीढ़ी को आमतौर पर? नहीं, युवा पीढ़ी को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप अपना जो कारोबार करते हैं वो तो करते रहे।